सुप्रभात छात्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी और आज हम कहावतें के बारे में अभ्यास करेंगे। तो कहावतें हैं वो हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक में भी बहुत सारे कहावतें और उनके अर्थ भी दिए हुए हैं। आज हम यहाँ पे देखते हैं कि कहावतें क्या है। तो किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय प्रयोग किए जाने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन को कहावतें कहते हैं। यानी किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय प्रयोग किए जाने वाले कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, कहावतें होते हैं। उनका अर्थ प्रसंग और वर्णन के संदर्भ में होता है, उसे कहावतें कहा जाता है। तो कहावत का अपना विशेष प्रभाव होता है, उसमें छिपा भाव, उसमें जो भाव होता है वो दिल को छू लेता है। कभी कभी कहावत बोध या सीख देने का कार्य भी करते हैं। तो कहावत में से कभी कभी उसमें से कुछ ऐसा बोध या सीख भी हमें मिलती है। तो कहावतें प्रायः पूर्ण वाक्य के रूप में होती है और किसी वक्तव्य के अंत में आकर उसे स्पष्ट करने का कार्य करती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं जानता और दूसरों को दोष देता है तो उसकी इस बहानेबाजी को सूचित करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे हम एग्जांपल में देखते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात नाचना नहीं आता इसलिए आंगन को टेढ़ा यानी दोषपूर्ण बताकर नाचने से बचना चाहता है। तो यहाँ पे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा यानी नाचना नहीं जानता पर इसलिए आंगन को टेढ़ा यानी दोषपूर्ण बताकर नाचने से बचना चाहता है, ऐसा यहाँ पे ये कहावत में कहा गया है। मार पड़ने पर मजबूत दिल का अपराधी भी सच बात बता देता है और अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। तो मारने या सख्ती करने के इस महत्व को सूचित करने के लिए यह कहावत प्रचलित हुई है कि लात के आगे भूत भागे। कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जैसा सुना जाता है वास्तव में वहाँ वैसा नहीं होता। जैसे किसी नेता का नाम तो प्रसिद्ध हो पर उसका भाषण सुनकर श्रोता प्रसन्न न हो, तो इस भाव को प्रकट करने के लिए कहा जाता है नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो कभी कभी महान कवियों की वाणी भी कहावत बन जाती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो मन में संदेह हो तो कोई भी काम सफल नहीं होता। तो यहाँ पे ये कहावत कहा गई है, का वर्षा जब कृषि सुकाने। तो यहाँ पे का वर्षा जब कृषि सुकाने, अर्थात खेती सूख जाने पर वर्षा होने से क्या लाभ। तो खेती सूख जाने पर बाद में जब वर्षा होती है तो उनका क्या लाभ होता है। तो जरूरत के समय चीज ना मिली और बाद में मिले तो उसका महत्व नहीं रहता। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब वस्तु की ज़रूरत होती है तब वो वस्तु हमें नहीं मिलती और बाद में वो वस्तु हमें मिलती है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। कविता की ऐसी पंक्तियों को सुचित या सुभाषित कहते हैं। ऐसी सुक्तियाँ का भी कहावत के रूप में प्रयोग किया जाता है। कबीर, तुलसीदास, रहीम आदि कवियों के काव्यों की अनेक पंक्तियाँ कहावत के रूप में प्रचलित है। याद रहे कि हमारे यहाँ पाठ्यक्रम की कहावतों का वाक्य प्रयोग अपेक्षित नहीं है, कहावतों का केवल अर्थ स्पष्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पाठ्यपुस्तक के कहवाते हैं कि गरजेंगे सो क्या बरसेंगे। तो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वे काम नहीं करते, यानी गरज
गरजेंगे सो क्या बरसेंगे, बादल गरजते ही पर बरसते नहीं, ऐसी कुछ कहावत है। तो यहाँ पे उनका अर्थ है कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो कुछ काम नहीं करते। जैसा देश वैसा भेस, जिस प्रदेश में रहना हो उस प्रदेश की रीत रिवाज, खाना खान पान, वेशभूषा आदि को अपनाना चाहिए। हम जहाँ पे भी जाए वहाँ की जो रीत रिवाज है, खान पान है, वेशभूषा है, उसको भी हमें अपनाना चाहिए। तो उससे कहा जाता है जैसा देश वैसा भेस। प्यार और लड़ाई में धोखाधड़ी सब कुछ ठीक है। प्रेम और युद्ध में सफलता पाने के लिए अच्छे बुरे सभी तरह के उपाय किए जा सकते हैं, उनमें नीति अनीति का सवाल नहीं उठाया जाता। आगे देखते हैं कि वीरता कभी नहीं पछताती। वीर पुरुष सोच समझकर कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें अपने कार्य के लिए पछतावा नहीं करना पड़ता। जो वीर पुरुष है वो कोई भी कार्य करते हैं उसे सोच समझकर ही करते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी उन कार्य के लिए पछतावा नहीं होता। टूटे सुजन मनाए जो टूटे सो बार, सज्जन के साथ सदा ही संबंध बनाए रखना चाहिए। जो सज्जन व्यक्ति के साथ हम रहते हैं तो हमारे अंदर भी अच्छे गुणों का प्रभाव पड़ता है। जो गरीब पर हित करे ते रहीम बल लोग, तो यहाँ पे जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, जो हमेशा गरीबों का भला करते हैं वे ही वास्तव में बड़े लोग होते हैं। तो हमें हमेशा गरीबों का भी भला यानी हमें मदद करनी चाहिए, तो वही उस कार्य करने से ही हम बड़े लोग कहलाते हैं, या हमारे अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। चीमा बड़न को चाहिए छोटन कहाँ उत्पात, छोटे लोग उत्पात या शरारत करे तो भी बड़े लोगों को उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। यानी छोटे लोग है वो उत्पात या शरारत करे तो भी बड़े लोगों को उन्हें, जो बड़े लोग है उनको छोटे लोगों को माफ़ कर देना चाहिए यानी क्षमा कर देना चाहिए। यहाँ पे अन्य कई बातें हैं वो भी हम देखते हैं कि अंधा क्या चाहे दो आँखें, जिस वस्तु के बिना विशेष तकलीफ होती है उसे ही व्यक्ति सबसे पहले पाना चाहता है। यानी हमें कुछ ऐसी विशेष वस्तु की तकलीफ होती है पर उसे ही हमें पहले पाने के लिए हम उस चाहते है। अंधों में काना राजा, जहाँ जब अज्ञानी लोग हो वहाँ थोड़ा जानने वाला भी विद्वान समझा जाता है। यानी जहाँ सब अज्ञानी लोग होते हैं वहाँ थोड़ा जानने वाले यानी थोड़ा कुछ जान लेता है वो व्यक्ति भी विद्वान जैसा उनको समझ लेते हैं। आम के आम गुठली के भी दाम, किसी काम में दोनों तरफ से लाभ होना। यानी यहाँ पे आम के आम और गुठले के भी दाम, तो किसी काम में दोनों तरफ से हमें लाभ होना चाहिए, ये कहावत सही है। घर का बेदी लंका ढावे, आपस की फूट से हमारे भारी नुकसान होता है। घर का बेदी लंका ढावे यानी आपस की फूट से हमारा भारी नुकसान होता है। चार दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, सो क्या संपत्ति कुछ समय के लिए ही होती है। हमारे पास, हम खुश है, हमारे पास बहुत सारी संपत्ति है पर वो कुछ समय के लिए ही होती है। मरता क्या ना करता, जो मनुष्य मन को तैयार है वहाँ सब कुछ कर सकता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, दुनिया में ताकतवर की ही जीत होती है। तो यहाँ पे जो ताकतवर है उनकी जीत ही होती है, ये यहाँ पे कहा गया है। दूर से डोल सुहावने लगे, सभी चीज़ों दूर से ही अच्छी लगती है। तो हम यहाँ पे कहा गया है कि सभी चीज़ों को हम देखते हैं तो वो दूर से बहुत अच्छी है पर वहाँ हम नज़दीक में पहुँचते हैं तो वो जैसी दिखती है वैसी नहीं होती। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, दो पक्षों में रहने वाले की कोई कीमत
नहीं होती, इसलिए वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का ऐसा कहवत है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जिसमें काम करने की कुशलता ना हो वे दूसरों को दोष देते हैं। तो यहाँ पे ये जो कहवत है वो भी सही कहा गया है। सो सुनार की एक लोहार की, कमजोर की 100 चोटें और बलवान की 1 चोट बराबर होती है। तो यहाँ पे ये जो 100 सुनार की एक लोहार की ये जो कहावतें है वो भी सही कहा गया है। आगे, हाथ कंगन को आरसी क्या, जो आँखों के सामने हो उसके लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, यहाँ पे ये जो अर्थ है कि जो आँखों के सामने हो तो उसे उसके लिए अन्य प्रमाण की यानी किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। काला अक्षर भैंस बराबर, तो यहाँ पे ये जो कहावतें हैं तो उनमें कहा गया है कि बिल्कुल अनपढ़ जो निरक्षर है उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर कहा गया है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर, तो अपने क्षेत्र में निर्बल भी बलवान होता है। तो यहाँ पे ये जो कहावत है वो कहा गया है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर बनकर घूमता है, ऐसा यहाँ पे ये कहावत कहा गई है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, नुकसान हो जाने के बाद उसके लिए पछताना बेकार है। तो नुकसान तो हो ही जाता है फिर उनके बाद हम पछताते हैं, तो उसमें पछताने के लिए हमें वो बेकार की जैसी बात कहा गई है। आगे यहाँ पे है कि आँखों के अंधे नाम नयन सुख, नाम के अनुसार गुण ना होना। तो जो नाम होता है उनके अनुसार उनका गुण भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये कहावत कहा गई है कि आँखें के अंधे नाम नयन सुख। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों और विपत्ति होना यानी दोनों तरफ विपत्ति ही विपत्ति है। एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत, अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा सुख है। तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा है तो हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारा जो शरीर का स्वास्थ्य है वो हमारे लिए सुखप्रद है। काबुल में क्या गद्दे नहीं होते, तो बुरे भले सब जगह होते हैं। तो यहाँ पे ये जो कहावतें हैं ये 8वीं कक्षा के छात्रों को इन कहावतों का अभ्यास भी करना है और अपने पाठ्य पुस्तक में जो कहावतें हैं उनका भी अभ्यास करना है। थैंक यू।